हाय, मेरा नाम राहुल चांद है। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, अमृतसर से। मेरा जो शहर मेरा अमृतसर है, और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, दे आर स्टेइंग इन कोडाइकनाल, तमिलनाडु, जो एक सिटी है, इट्स अ हिल स्टेशन। एंड रिसेंटली आई गॉट शिफ्टेड हियर इन दिल्ली, एंड आई एम अ नेचर फोटोग्राफर। मुझे फोटोग्राफी का शौक है। ये शौक मुझे बहुत बचपन से पड़ा। और रिसेंटली आई केम टू नो अबाउट दिस फोटो एग्जीबिशन अबाउट महर्षि सर, और मुझे पता लगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं 23rd को आना चाह रहा था यहाँ पे, लेकिन मुझे आज मौका मिला इस चीज़ को देखने के लिए। और सबसे अच्छी जो खासियत मुझे इस जगह की लगी, जो सर की जो फोटोग्राफी है, जो कॉम्बिनेशन जो है, कलर कॉम्बिनेशन, और स्पेशली जो स्टिल्स जो हैं, दीज आर वेरी टफ स्टिल्स। इनको वहाँ खींचना, और वहाँ की जो स्थिति, जो वहाँ की कंडीशन हैं, वहाँ की जो झारखंड की, वहाँ पे जाके उनके बीच में और इस तरह का नेचुरल फोटोग्राफी उसको खींचना, इट्स अ ट्रेमेंडस जॉब सर। इट्स एक्सलेंट जॉब यू हैव डन, और मुझे बहुत आई एम रियली इनकरेज्ड इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं मोस्टली नेचर को क्लिक करता हूँ। इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा मैं प्रोत्साहित हुआ हूँ कि इसको देख के कि आने वाले टाइम पे। और सबसे अच्छी बात मुझे टूडू जी, जिनकी लाइफ जो अगर शुरुआत से मैं देख रहा हूँ इसको, कि हम लोग अपनी कंक्रीट लाइफ के अंदर हम खो चुके हैं। ये पेड़ और ये पौधे, ये पानी, ये सब चीज़ें हम खोते जा रहे हैं। एंड द वे शी इज़ परफॉर्मिंग, और वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाके वो जो काम कर रही हैं टूडू जी, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि ये ना कि इस एग्जीबिशन में, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, जो इंस्टाग्राम है उसकी रील्स में, और फेसबुक में ये जाए, ताकि आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, जो नई जनरेशन जो आ रही है, उनको पता लगे कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर दीज पार्ट्स, जो ये हमारे जो राज्य हैं, जो इतना बड़ा हमारे देश को क्या कहते हैं, जो पेड़ों के बीच में और ग्रीनरी के बीच में जो प्रोत्साहित कर रहे हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स अ वेरी गुड थिंग टूडू जी को देख के, उनके काम को, स्पेशली सर का और पूरी टीम का जो इन्होंने ये आयोजन किया इसका। और मैं आई एम रियली थैंकफुल फॉर माई हार्ट। मैं चाहता हूँ कि, और मैं आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पे आ सका हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि मैं रश में नहीं आया, ताकि मैं सर से कन्वर्स कर सका। इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। थैंक यू वेरी मच।